और अब क्वीन एलिजाबेथ से जुड़ी बड़ी खबरें। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन। स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में क्वीन ने अंतिम सांस ली। महारानी के निधन के शोक में ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक को झुका दिया गया है। एडिनबर्ग के होलीरूड पैलेस और लंदन के बकिंगहम पैलेस में झुकाए गए झंडे। निधन की खबर मिलते ही स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल के बाहर उमड़ी भीड़। 10 दिन बाद होगा महारानी का अंतिम संस्कार। महारानी के खराब स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें कल से ही आ रही थी। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए थे। महारानी एलिजाबेथ सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की क्वीन रही। क्वीन ने 70 साल तक ब्रिटेन पर राज किया। महारानी ने 27 साल की उम्र में शासन संभाला। 6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद ब्रिटेन का शासन संभाला। एलिजाबेथ सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, 14 अन्य आजाद देशों की भी महारानी थी। 15 देशों की सिंबॉलिक महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ। अपनी पुत्रवधू डायना से महारानी के संबंध कभी सामान्य नहीं रहे, लेकिन कई लेखकों ने दावा किया कि महारानी डायना की मदद करना चाहती थी। महारानी एलिजाबेथ ने 2 दिन पहले ही ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई थी। कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। 70 साल बाद ब्रिटेन को मिला नया किंग। 73 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स ने संभाली ब्रिटेन के महाराज के रूप में कमान। प्रिंस चार्ल्स को 24 घंटे के भीतर आधिकारिक ताज सौंपा जाएगा। महारानी के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए हैं। अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। चार्ल्स तृतीय बनेंगे ब्रिटेन के किंग। 2.23 किलो के सोने के मुकुट से होगी ताजपोशी। 70 साल बाद ब्रिटेन का राष्ट्रगान बदलेगा। 3 बार भारत आई थी महारानी एलिजाबेथ। 1961 में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल भी हुई थी। पीएम मोदी ने एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया। कहा, दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने जताया दुख। बाइडेन ने बताया, सम्राट से भी ज्यादा अहमियत रखने वाली शख्सियत। अमेरिकी संसद का झंडा झुकाया गया। महारानी के निधन पर फ्रांस में भी छाया शोक। महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए आईफिल टावर की लाइट्स को बंद किया गया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी जताया शोक। यह हमारे देश के लिए सबसे दुखद दिन है। महारानी एलिजाबेथ को इजराइल ने दी श्रद्धांजलि। तेल अवीव में ब्रिटेन का झंडा लगाया गया।